नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक है डीट जिन्फ्रा। सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया अपने फैसले का बचाव। भारत से नागरिकों के लौटने पर लगाया था बैन। शिनजियांग के मसले पर पहली बार सख्त हुआ न्यूजीलैंड। पीएम जेसिंडा ने दी चीन को नसीहत। स्पुतनिक का उत्पादन बढ़ाने के लिए रूस ने किया चीनी कंपनियों से करार। चीन ने की भारत को बदनाम करने की कोशिश। चीन के लोगों ने किया विरोध, तुरंत डिलीट हुई पोस्ट। अमेरिका और ब्रिटेन का ईरान के साथ किसी समझौते से इनकार। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। 4 महीने के लिए नीट की परीक्षाएं स्थगित। कोविड वार्ड में काम करने के लिए मिलेगी विशेष सुविधाएं। ममता बनर्जी का नंदीग्राम से गड़बड़ी का आरोप, कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने जताया था जान को खतरा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप, सीएम ने मंत्रिमंडल से निकाला। मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड में सभी मान्यता प्राप्त पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर्स हुए घोषित। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। बेरमो में कॉलोनी के खाली स्पॉट में दफनाया गया कोरोना संक्रमित का शव, कुत्तों ने खोद कर बाहर निकाला, लोगों ने किया हंगामा। पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर के छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस 3 से। पूर्व मंत्री एच रहमान का हुआ निधन। दिल्ली में बेटी के घर पर ली अपनी अंतिम सांस। सासाराम में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से 9 लाख रुपए की लूट। हवाई फायरिंग पर फरार हुए बदमाश। शमशान घाटों पर भी सक्रिय हुए दलाल। संक्रमित मृतकों के परिजनों से वसूल रहे मनमाना पैसा। छापेमारी करेगी टीम। सीएम नीतीश ने 5 राज्यों में चुनाव जीतने वाली सभी पार्टियों को दी बधाई। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। आईपीएल में आज नहीं होगा मैच, 2 प्लेयर्स संक्रमित हुए। केकेआर आरसीबी का मैच टला। ट्रैवल पॉलिसी और होटल के चलते पॉजिटिव हुए खिलाड़ी। कोरोना ने किया खेल खराब, सीएसके के 3 प्लेयर्स पॉजिटिव पाए गए। टी20 में टीम इंडिया दूसरे स्थान पर, वनडे में हुआ नुकसान। ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। स्वदेशवाणी।